व्यास जी, जैसे आप सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, बोलना पड़ेगा महाराज। पाराशर के पुत्र व्यास जी, जो भगवान का स्वरूप है, जिन्हें 24 अवतारों में से भगवान कहा जाता है, जैसे आपके जीवन में समस्या आती है, तो उन्होंने भी वेद पुराण लिखे। लेकिन जब पुत्र, जो उनके पुत्र हुए श्री सुखदेव जी, जन्म लेकर ना पिता को पिता कहा ना माँ को माँ कहा, तो उदासी उनके चेहरे पर आ गई, जैसे आपके चेहरे पे आ जाती है छोटी सी उदासी। कोई भी बात हो, अगर सपन में भी कुछ बुरा दिख जाए तो सारा दिन उदास रहते हो, बोलना पड़ेगा भाई, उदास रहते हो ना। साधु सब में जीता है और तुम औरों में जीते हो। कोई आके तुम्हारी बड़ाई कर दे तो तुम खुश हो जाते हो, और कोई आके अगर सपन में भी तुझे भला बुरा कोई कह दे तो सारा दिन उदास रहते हो। क्यों? क्योंकि साधु पानी के साथ भगवान का भजन करते हुए सत्संग में ना आता है, बोलना पड़ेगा हमारा। तो ये छोटी मोटी बाधाएं, ये परेशानियां आपके चेहरे से ना जाएं, आपके चेहरे से ना जाएं। आप भी सौ में जियो, उसके लिए कल से, आज तो शायद ना के ही आए हो, हाथ उठाना जो नहीं ना आया। बोलना पड़ेगा। तो जब भी तुम नहाओ, तुम्हारी आत्मा को प्रकाश मिले, शरीर की खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक भजन। तो जब भी नहाओ, एक समय नहाओ, दो समय नहाओ, और ना नहाने वाले एक समय तो जरूर नहाए। तो जब भी नहाओ तब बोल दिया करो, या तो कोई भजन गाया करो या भगवान का नाम लिया करो। वो पानी ही अमृत बनकर, गंगा की धारा बनकर वो सत्संग हो जाएगा। और सत्संग में जो नहा लिया, हरि भजन करते हुए जिसने हर काम को किया है, उसने जग को जीत लिया है, बोलना पड़ेगा महाराज। व्यास जी जब उदास बैठे हैं तो नारद जी ने आकर यही भागवत उन्हें सुनाई है। इस भागवत ने व्यास के दुख दूर कर दिए, तो क्या ये आपके नहीं करेगी? परीक्षित के जीवन में जब दुख आए, परीक्षित को श्राप लगा था, सातवें दिन तक्षक आएगा, डस लेगा, मर जाएगा। और श्री सुखदेव जी जब कथा सुनाने लगे तो देवता आ गए अमृत का कलश लेके। चिंतामणि लोकम सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, चिंतामणि आपकी चिंताओं को हर लेगी, कल्प वृक्ष जो मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन वैकुंठ देना इनके बाद बस की बात नहीं। वैकुंठ योगी दुर्लभम प्रीतो गुरु प्रेक्षति, गुरु की कृपा ही आपको, संतों की कृपा ही आपको वैकुंठ दे सकती है, बोलना पड़ेगा।